हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम थाई वैरायटी के नींबू यानी के लेमन के बारे में बात करेंगे। ये देखिए, ये मेरा थाई वैरायटी का नींबू है और ये काफ़ी अच्छे से पक चुका है। ये देखिए, बहुत सारे पके हुए नींबू है और कुछ तो अभी तक पका नहीं है। ये देखिए, ये वाला अभी तक पका नहीं है, कच्चा ही है फ्रेंड्स। और ये बहुत ही कम हाइट में ग्रो करने वाला नींबू है। ये इसके हाइट की मैं बात करूँ तो ये तकरीबन 30 से लेके 40 सेंटीमीटर का होगा। और कंटेनर की भी बात करूँ तो मैं ये 12 से लेके 13 इंच का मैंने ये वेस्ट कंटेनर पर मैंने इसे लगा रखा है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए, अब हम आगे इसके केयर टिप्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सनलाइट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। कोई भी फ्रूटिंग वाला प्लांट को बहुत ही अच्छी तरीके से धूप चाहिए होता है, तो मैं इसे किसी ऐसी जगह पर रखती हूँ जहाँ इसे सुबह से लेकर शाम तक की पूरी धूप मिलता हो। वाटरिंग की मैं बात करूँ तो इसकी ऊपरी वाला मिट्टी जो है, टॉप सॉइल पूरी तरह से सूखने के बाद ही मैं इसे वाटरिंग करती हूँ। इसे ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है फ्रेंड्स। कोई भी फ्रूटिंग वाला प्लांट के रूट्स पर जो है फंगस लगने का ज़्यादा खतरा रहता है, तो मैं इसके मिट्टी पर जो है अक्सर वुड ऐश यानी कि जला हुआ राख जो है मैं इसके मिट्टी पर अक्सर डालती हूँ। और ये आपको कुछ कोयला भी नज़र आ रहा होगा। वुड ऐश और इस तरह के कोयला जो है बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक फंगिसाइड होता है। तो जब मैं इस पर वाटरिंग करती हूँ तो ये कोयला से होकर जो पानी रूट्स पर जाती है तो वो जो है बहुत ही अच्छा फंगिसाइड का काम करता है। और एक ज़रूरी बात, अगर आप बिगिनर हैं और कोई भी फ्रूटिंग वाला प्लांट कंटेनर पर ग्रो करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस तरह के थाई वैरायटी का लेमन सबसे पहले ग्रो करें, क्योंकि ये बहुत ही इजी टू ग्रो है और लो मेंटेनेंस पर ही फ्रूटिंग करने वाला प्लांट है। थाई वैरायटी के अलावा अगर आप दूसरे लेमन को कंटेनर पर ग्रो करना चाहते हैं तो ग्राफ्टेड वाला प्लांट को ही लें, सीड से ग्रो हुआ प्लांट को ना लें। मुझे इसे लगाया हुआ 6 से लेके 7 महीना हो रहा है। मैंने इसका इतना सा ही छोटा सा पौधा नर्सरी से मैंने परचेज करके लाई थी। मैं उसके 20 से लेके 25 दिन बाद इसमें फ्लावरिंग करना स्टार्ट हो गया था। काफ़ी ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग हुआ था फ्रेंड्स, लेकिन मैं जो है जून जुलाई के महीने पर जो है मैंने इसे बाहर बारिश पे ही छोड़ दिया। मैंने शेड एरिया पर रखना मैं भूल गई, तो हैवी रेनफॉल, काफ़ी हैवी रेनफॉल हुआ था हमारे यहाँ पे जून जुलाई के मंथ पे। तो हैवी रेनफॉल के कारण जो है बहुत सारे बर्ड्स और फ्लावर्स जो है गिर गया, नहीं तो इसमें और भी ज़्यादा फ्रूटिंग होता फ्रेंड्स। तो इससे हमें यह भी पता चलता है फ्रेंड्स कि हैवी फ्लावरिंग होते समय हमें इसे हैवी रेनफॉल पर ऐसे ही खुले नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि एक तो हैवी रेनफॉल का वजह से इसके बर्ड्स और फ्लावर टूट के गिर जाएंगे, और दूसरा तो है कोई भी फ्रूटिंग वाला प्लांट को जो है फ्लावरिंग के टाइम पर जो है रूट्स पे ओवर वाटरिंग नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स हमें, नहीं तो ओवर वाटरिंग के वजह से ये अपना रूट्स ये अपना फ्लावर्स और बर्ड्स नीचे गिरा देता है। तो इस बात का भी हमें खास ख्याल रखना होगा कि स्पेशली फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के टाइम पर हमें इसे ओवर वाटरिंग नहीं करना है। और इसके फ्रूट्स तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लगता है मुझे। इतने छोटे छोटे गोल गोल के आकार के और कलर देखिए, ये पकने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा एट्रैक्टिव लगता है ये फ्रेंड्स। देखिए, ये देखने में जितना ज़्यादा छोटा लगता है फ्रेंड्स, इसके अंदर रस उतना ही भर भर के होता है। अगर घर में कोई मेहमान आ जाए और आप उसे ऑर्गेनिक नींबू पानी पिलाना चाहे तो एक गिलास पानी ले ले और एक नींबू गमले से तोड़ के लाए, कंटेनर से तोड़ के लाए और उस पर निचोड़ दे एक नींबू का रस, तो ये काफ़ी अच्छा नींबू का पानी बन करके तैयार हो जाता है। लो, बातों ही बात में मैं सोइल मिक्सचर के बारे में बताना ही भूल गई। सोइल मिक्सचर पर मैंने लिया है 1/3 गार्डन सोइल, 1/3 काउडंग कंपोस्ट और 1/3, उस वक्त मेरे पास कोकोपीट नहीं था तो कोकोपीट के जगह पर मैंने लिया है 1/3 राइस हस्क यानी के धान के भूसे। उसके बाद मैंने कोई कंपोस्ट ऐड नहीं किया फ्रेंड्स, पर हाँ, मैं 20 से लेके 25 दिन के अंतराल में मैं इस पर लिक्विड फर्टिलाइजर देती रहती हूँ। फ्रेंड्स, ये दिखने में जितना ज़्यादा प्रीटी है उतना ही ज़्यादा इजी टू ग्रो और लो मेंटेनेंस में फ्रूटिंग करने वाला प्लांट है।
तो देरी किस बात की, स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है। आज ही कोई नज़दीकी वाला नर्सरी जाए और थाई वैरायटी के इस तरह के लेमन का प्लांट खरीद के लेके आइए और छोटे से एक कंटेनर पर अपने गार्डन पर इसे जगह दे दे। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग।